हाय हेलो, वेलकम टू दिया क्रिश मॉम्स। ये ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो इवनिंग देखिए, हम लोग यहाँ जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ के दर्शन के लिए आ गए थे। तो यहाँ देखिए, दिया आगे जा रही थी। तो ये मेन एंट्रेंस का गेट जो है जगन्नाथ मंदिर का, आज क्लोज था। तो हम लोग क्या करें ना, बाजू दूसरे गेट से, ये सिंह द्वार बोलते हैं, तो यहाँ पे दूसरे द्वार से प्रवेश किए हैं अंदर। तो मंदिर में ऑलरेडी आरती शुरू हो गई थी, क्योंकि हम लोग 6:30 को ऐसे गए थे। तो मंदिर का व्यू कितना सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं बाहर से जो लाइटिंग है मंदिर का। तो मैं उसका कुछ वीडियोस ले ली थी। और यहाँ देखिए, हम लोग वहाँ पर बाहर चप्पल निकाल के ऊपर की ओर जा रहे थे। तो फूफी पहले ही चले गए थे, तो मैं बाद में जा रही थी। तो यहाँ देखिए, ये मेन जो सीढ़ी रहता है, 22 सीढ़ियाँ रहते हैं टोटल। तो ये देख सकते हैं सीढ़ियाँ, यहाँ बहुत बैठने में बहुत अच्छा लगता है। तो आजू बाजू का जो भी मंदिर है, अभी पूरा मंदिर नहीं बना है। तो यहाँ पे देखिए, फूफी माँ घूम के थोड़ा देख रहे थे मंदिर। और यहाँ दिया देखिए, वाटर बॉटल लेके जा रही है। तो मंदिर में तब तक ज़्यादा भक्त नहीं थे, थोड़े बहुत थे। धीरे धीरे आरती ख़त्म होते होते बहुत से लोग आना शुरू हो गया था। तो आरती कर लेते हैं पहले। देखिए तो देख सकते हो, यहाँ पे आरती चल रही थी। और उसके बाद कृष्ण थोड़ा बाहर आया था। तो यहाँ देखिए, बाहर की जो व्यू है मैं वो ले रही थी। तो बाहर दिया घूम रही थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो पूरा मंदिर के चारों ओर की तो परिक्रमा जैसे कर लिए थे। और वहाँ पर कृष्ण भगवान थे, जो दिया माथा देख रही थी। तो मैं उसे उन्हें सब कवर कर ले रही थी। ये देखिए, तो मंदिर के चारों ओर कुछ इस तरह है। तो दिन में धूप से बहुत ही बहुत, मतलब कृष्ण के पापा बाहर ठहर के वहाँ से माथा देख रहे थे। तो मैं ऊपर की ओर जो मंदिर की अंदर देखी, कितनी अच्छी सब मूर्तियाँ हम पेंट किया गया है। और उसके बाद में यहाँ मैं कृष्ण को विदा दी थी, क्योंकि छोटी माँ को पाँव दर्द दे रहा था। और यहाँ देखिए, दिया छोटे छोटे खेल रही है। उसके बाद में आरती हो जाती है, तो सब लोग लाइन पर प्रसाद लेने पहुँच जाते हैं। और उसके बाद हम लोग घर आके सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं बर्थडे की। तो यहाँ देखिए, हम लोग फोटोज़ निकालते हैं। तो वहाँ पे फोन वीडियो भी थोड़ा बना ले रहा है मेरा भाई। और आज हेल्प करने के लिए वो आया था, और पापा फूफा वहाँ पे बैठ गए थे। और देखिए, ये हमारा शुभम आ गया है फोटोज़ में। और उस तरफ से जीजू भी आके ऐड होते हैं, क्योंकि पहले फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर देते हैं केक और पूरा। आज देखिए, कृष का मामा वीडियो शूट कर रहा था। तो हम लोग देखिए, मैं वहाँ पे कृष को पकड़ के थे, हमारा चुनकी और पापा पापा जी और ये सब पीछे फूफी और मम्मी बात कर रहे थे। उस समय फ्री भी कट हो गया और लोग अंदर नहीं आए थे, बाहर बात कर रहे थे। तो यहाँ देख सकते हो, दिया बहुत खुश थे। दिया को केक कटिंग बहुत ही पसंद है, उसीलिए हम लोग घर पे केक कटिंग रखते हैं। नहीं तो ये उतना भी नेसेसरी नहीं है। अगर छोटा सा सेलिब्रेशन में हैप्पीनेस, अगर बच्चों की खुशी से तो बढ़कर नहीं है ना, हमें वैसा लगता है। तो ये देखिए, दिया देखिए खुद बखूब क्रीम खा लेगी। और यहाँ देखिए, क्रिश वो देख रहा था ये क्या है, क्योंकि क्रिश का भी बर्थडे 2 डेज में आ रहा है। हमारे दोनों बच्चों का 2 दिन गैप में दोनों का बर्थडे है। और यहाँ पे कृष के पापा उसको खिला रहे थे। और यहाँ पे देखिए, मोना के कृष को खिला दे रही है केक, और पापा हंस रहे थे बैठ के। और यहाँ पे देखिए, कृष मुँह फेर लेता है, मैं अगर क्रीम उसके पास लेती हूँ। तो यहाँ पे जीजू भी कृष को खिला रहे हैं केक। और ऐसे ही छोटा मोटा ऐसे ही फैमिली सब लोग धीरे धीरे आके सब लोग उसको केक खिलाते हैं। तो वो परेशान हो जाती है। और यहाँ चिंटू उसके फेस में लगाता है क्रीम। और ये देखिए, सब लोग उसको थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं, तो वो गुस्से में देखती है। और यहाँ पे इसके पापा भी वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ देखिए, दिया के अपने नानू
रुपया जी को और पापा को खिलाती है केक, जैसे कि उसके नाना मेरे पापा मम्मी यहाँ पे आके दिया को खिलाती है केक। और यहाँ पे देखिए फिर से ये उसे खिला के परेशान करते रहती है, और यहाँ पे दिया खुद आके फिर से चाटना शुरू कर देती है केक, और यहाँ पे फूफी आके उसको थोड़ा सा खिला देती है केक, और मैं उसे बोलती हूँ आप भी फूफी को खिलाओ, मगर वो दिया सुनती नहीं है। तो यही था आज का सेलिब्रेशन। क्रिश देखिए परेशान हो जाता है, वो इधर उधर देखता रहता है, तो दिया को मैं कट करके देती हूँ, तो वो कटिंग वाला नहीं खाती है। और इतने में ये कटिंग सारा हो जाता है। मेरी मम्मी शुभम को थोड़ा केक खिलाती है, और यहाँ देखिए सब लोग बोलते हैं दिया को, क्रिश दिया को और शुभम को, सब लोग को केक के पीसेस दे रहे, तो मैं पापा को क्रिश को दे देती हूँ। और मोना आ जाती है केक खिलाने के लिए। उत्ते में ये देखिए ये गिफ्ट आया हुआ है, जो कि किसने दिया है, हमारा विनोद लाया था दिया के लिए। तो ये देखिए एक राधा कृष्ण की पेंटिंग, राधा कृष्ण के जो पेंट है बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए ये कुछ इस तरह है, देखिए बहुत ही प्यारा है। थैंक यू विनोद ये गिफ्ट के लिए। ये देखिए दिया उसे खोल के देख रही थी। उसके बाद हम लोग खाने के लिए, ये देखिए ये ऐसा पेंटिंग था, तो मैं उसे ऊपर लेके देख रही थी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग है, तो उसे दिया ही देखती जा रही थी। ये देखिए कुछ इस तरह का पेंटिंग था। उसके बाद यहाँ देखिए क्रिश बर्थडे करके दीदी का थक गया है, अभी देखिए कैसा कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग का खाना भी ना हो गया है और क्रिश को निन्नी आ रहा है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।